जनपद में राप्ती और घाघरा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से नहीं कम हो रहा है बाढ़ का पानी। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी ने कहा, जनपद में करीब 200 गांव बाढ़ से है प्रभावित। जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त की गई है व्यवस्था। ट्रकों का तिरपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना 15,000 के इनामिया गैंगस्टर हिमांशु शाहनी को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से गैंगस्टर खलीलुर रहमान द्वारा अपनी पत्नी रोजीना बेगम के नाम से खरीदे गए एक क्विड चार पहिया वाहन को कैंट थाने की पुलिस ने डीएम गोरखपुर के आदेश से किया कुर्क, किया वाहन को कैंट थाना के परिसर में खड़ा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताओं पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, अगर मानसिक रोग के दिखे लक्षण तो बिना देरी और निसंकोच अस्पताल के लिए मदद। पिपरौली ब्लॉक के प्रथम ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति का मुख्य अतिथि उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश दिनेश कुमार सिंह ने किया अनावरण। कहा, स्वर्गीय रामजादा सिंह ने 1966 में विकास से पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करके किया एक पुनित कार्य। नगर निगम के चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉ. अरुण सक्सेना ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में घर घर जाकर करे संपर्क, धरातल पर हम करेंगे कार्य तो हमें मिलेगी बहुत बड़ी जीत। आयुष विभाग द्वारा मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है तो एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं के अनुकूल विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त राघवेंद्र चौहान व सोनू चौहान को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 150 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री का किया जा रहा है वितरण। 14,000 राशन खाद्यान्न किट का किया जा चुका है वितरण। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी लोग हैं एक्टिव, समस्याओं का किया जा रहा है समाधान।